बढ़ते मरीजों का खौफ कृषि उपज मंडी तक पहुंच गया है। जिले में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने कृषि उपज मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि मंडी नीलामी में भीड़ एकत्रित होने से संक्रमण का खतरा बना रहता है और जिले में प्रतिदिन 8 से 10 कोरोना मरीजों के मिलने से भी सावधानी के तौर पर 5 सितम्बर तक मंडी को बंद रखा जाएगा। कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और 2 मौतें प्रतिदिन लगातार हो रही है। आज भी 1 मौत हुई है, कल भी 2 मौत हुई थी। अच्छा, इसी को एहतियात रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि कृषि उपज मंडी समिति में, चूँकि बाहर से कृषक भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं और नीलाम बोली स्थल पर काफ़ी रस एकत्रित हो जाता है, तो इसलिए हमने दिनांक 31 अगस्त 2020 से 6/9/2020 तक मंडी टोटल बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे कि संक्रमण की कम हो सके। काफ़ी समय स्थिति खराब है और संक्रमण फैल रहा है। साथ ही हम कृषक भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में भाई अपना माल बेचने न लावें, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।